चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा है कि हाउ मैनी डायगनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैज। अ कन्वेक्स पॉलीगन, अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की फिगर ऐसी होगी, ए बी सी डी। फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ईच ऑफ इट्स एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। इसी के साथ अगर हम कॉनकेव पॉलीगन को देखें तो उसका कुछ डायग्राम ऐसे हैं। तो इस डायग्राम से आप समझ गए ये कनकेव है क्योंकि इसका एटलीस्ट वन एंगल जो है वो रिफ्लेक्स है, 180 से ज़्यादा है। तो कितने कॉर्नर हैं इसके, 1 2 3 4 5 पेंटागन है, बट ये कनकेव है और ये कन्वेक्स है। अगर कनकेव पॉलीगन हमने लेनी है तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा कि उसका एक एंगल रिफ्लेक्स है, बट अगर हमें कन्वेक्स पॉलीगन लेनी है तो उसका डायग्राम ऐसे है और इसके ईच ऑफ इट्स एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डायगनल कैसे हैं। किसी भी पॉलीगन के नंबर ऑफ डायगनल्स को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n माइनस 3 अपॉन 2। n से यर मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, एनी नंबर ऑफ साइड अ पॉलीगन कैन हैव। n सपोज हमारे पास 5 है तो 5 यहाँ पुट किया, 5 माइनस 3 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल तो 5। 5 साइड फिगर पेंटागन है। किसी भी पॉलीगन को उसका नाम हम उसकी नंबर ऑफ साइड के अकॉर्डिंगली करते हैं। n हमारा अगर 6 है तो नंबर ऑफ डायगनल्स यहाँ पर इस फॉर्मूले में फिर हम पुट करके फाइंड कर सकते हैं, 6 माइनस 3 अपॉन 2, 6 इंटू 3 अपॉन 2, 3 से 6 कैंसिल आउट किया तो 9। तो हेक्सागन की फिगर ऐसी होती है। हेक्सागन हमारी रेगुलर भी हो सकती है, रेगुलर हेक्सागन से मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो हम इसको हेक्सागन कहेंगे। नंबर ऑफ साइड है 6 और नंबर ऑफ डायगनल्स है, डायगनल को कैपिटल डी से डिनोट कर रही हूँ मैं यहाँ, 9 है। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ साइड 7 है तो उसमें नंबर ऑफ डायगनल्स कैसे, 7 माइनस 3 अपॉन 2, 7 इंटू 4 अपॉन 2, 7 से 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो 14। तो हेप्टागन को हम कैसे बना सकते हैं, 1 साइड 2 3 4 5 6 और 7। हेप्टागन नंबर ऑफ साइड 7। इसी तरह से अगर n 4 होता है तो हम उसको सॉरी 8 होता है तो उसको हम ऑक्टागन कहेंगे। ऑक्टागन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 साइड 2 साइड 3 4 5 6 7 और 8। नंबर ऑफ साइड है इसमें ऑक्टागन में 8 और नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स इसके हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 8 माइनस 3 अपॉन 2, इस 2 को हमने 8 से कैंसिल किया तो 4 इंटू 5, 20 नंबर ऑफ डायगनल आ सकते हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कहता है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन इफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज लेस देन 180 डिग्री। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 7 है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू एन माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 7, तो इसका मतलब कि जो हमारी पॉलीगन है वो हेप्टागन है जिसकी नंबर ऑफ साइड कुछ फिगर ऐसा होगा, तो इसमें 7 एंगल है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सब 7 का सम कैसे आएगा, इस वैल्यू में
एन को 7 लेंगे, 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 5 इंटू 180, 18 फाइव ज़ा 90 और 0, 900 डिग्री। इसी तरह से जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें एन इसकी वैल्यू हमें दी है 10, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हम लेंगे 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 8 इंटू 18, 18 एट सा 144 और ये 0, इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, वो हमारी इस प्रॉपर्टी के बेस है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। जैसे फिगर हमारा फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में, हमें एक क्वाड्रिलेटरल, उसमें एक एंगल हमको 130 दिया है, एक एक्स दिया है, 120 दिया है और एक एंगल है हमारा 50 डिग्री। तो इसमें भी हम, ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें 130, 120, 50 और x इज इक्वल टू 360 करके हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है, उसमें भी हमें क्वाड्रिलेटरल दी है, पर क्वाड्रिलेटरल की शेप से हमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल है तो कैसे है, क्योंकि इसमें भी 4 वर्टिसेस है इसके और एक एक्सटीरियर एंगल 90 डिग्री दिया है, इंटीरियर एंगल हम लीनियर पेयर से ये भी 90 हो जाएगा और एक एक्स वैल्यू दी है इसकी अननोन 70 डिग्री और ये है 60 डिग्री। तो इसको भी हम एन माइनस टू इंटू 180, तो क्वाड्रिलेटरल है तो टोटल 360 है, तो हमारे पास एक एंगल 90, एक्स 70, 60 इज इक्वल टू 360, ये है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। तो इसको हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें कहा है कि हमें एक पेंटागन दिया है, तो पेंटागन कुछ हमारी इस शेप की है, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है बहुत बार कि वर्टेक्स 30 एंगल है, दो एंगल अननोन है, एक्सटीरियर एंगल 1 इज 70 डिग्री एंड द सेकंड वन इज एक्सटीरियर। तो हम 70 अगर एक्सटीरियर तो इंटीरियर हमारा 110 डिग्री आ जाएगा। अगर एक्सटीरियर एंगल इस साइड हमारा 60 है तो ये हमारे पास आ जाएगा 120। कैसे आया है? लीनियर पेयर ये बना है, लीनियर पेयर ये बना है, तो हम इसको भी 30 प्लस ये 110 और ये वाला इंटीरियर जो हमने फाइंड आउट किया 120 और 30, ये एक्स और एक्स दो अननोन वैल्यूज़ हैं, इन सारी वैल्यूज़ को हम टोटल करके 540, क्योंकि ये एक पेंटागन है, पेंटागन मतलब इसकी 5 साइड्स है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये दो वर्टिकल और ये हमारी दो जो इस तरह से वर्टेक्स बना रही हैं। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो इसका 4 पार्ट है उसमें हमें फिर से एक पेंटागन दी है, बट दिस टाइम द पेंटागन इज रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन को अब हम समझते हैं, रेगुलर पेंटागन या फिर रेगुलर पॉलीगन हम उसको कहते हैं जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। इफ ईच साइड ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल देन इट इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर पॉलीगन की एक खास बात है कि इसके साइड अगर सारे इक्वल होते हैं तो इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांचों एंगल एक्स हैं और एक 5 एंगल को हम ऐड करते हैं तो 540 आता है और 5 टाइम एक्स को ऐड करेंगे तो 5x, इस तरह से एक्स की वैल्यू 108 आ जाती है सॉल्व करके।